नमस्कार सभी को, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं एग्जाम फोकस। आज हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की। बहुत लोगों का कमेंट था पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कौन से हैं, कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, लगभग हमने 20 बुक्स को कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। एमसीक्यू के फॉर्म में है, myexamnotes.com पर ऑब्वियसली आपको सारे कंटेंट मिल ही जाते हैं। पिछला वीडियो को मैंने अभी तक पीडीएफ नहीं डाला है, वो मैं 2-3 दिन के अंदर कोशिश कर रहा हूँ डाल दूंगा, पर इस वीडियो का मैंने कंटेंट डाल दिया ऑलरेडी। अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया इज बुक रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। तो पिक्स देखकर हालांकि मैंने फेस छुपाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत हद तक ये क्लियर है। आंसर इज पी चिदम्बरम, इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यूपीए गवर्नमेंट के थे, और हामिद अंसारी जो कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के हैं, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया न्यू दिल्ली से। अब इस बुक का थीम जरा जान लीजिए। ये कह सकते हैं आप कलेक्शन ऑफ एसेज है जो कि डिफाइन कर रहा है कि कंट्री में एक फियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थ्रेटन हो रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में, तो इस पर ये बुक लिखा। हालांकि 2019 के इलेक्शन में लोगों ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थ्रेटन नहीं हो रहे हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द बुक रिटन बाई मलाला यूसुफज़ई इन 2019। ऑब्वियसली नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफज़ई का 2019 में जो नॉवल आया है उसका नाम आपको बताना है। इस बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, कुछ हद तक अपनी कहानी और कुछ हद तक जो ये टूर करती थी ईरान, इराक, अलग अलग कंट्रीज़ में अफगानिस्तान बॉर्डर पर, तो जो रिफ्यूजीज़ का कंडीशन था उसको लेकर अपने लाइफ से रिलेट करके इन्होंने ये बुक लिखा था। और अलग अलग जगह पर जाने के कारण उनके अंदर ये स्टोरी इवॉल्व हुआ। तो वी आर डिस्प्लेस्ड। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ शाहिद अफरीदी, पाकिस्तानी क्रिकेटर। तो 2015 के बाद से उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका नहीं मिला, संन्यास भी ले लिया था उन्होंने। बूम बूम अफरीदी के नाम से काफ़ी फेमस थे शाहिद अफरीदी, लेकिन जो बुक, जो ऑटोबायोग्राफी इनकी है उसका नाम है गेम चेंजर। और ये अकेले उन्होंने नहीं किया, ये इनको असिस्ट किया गया एक जर्नलिस्ट के द्वारा जिनका नाम था, लिख देता हूँ मैं, वजाहत, WAJAHAT वजाहत एस खान, ठीक है, इस नाम को भी याद रखना। ये एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने असिस्ट किया ऑटोबायोग्राफी लिखने में। तो मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इनके साथ रहा है इंटरनेशनल ODI इंटरनेशनल्स में, एक समय फास्टेस्ट ODI 100 का रिकॉर्ड इनके साथ था, और पहले नेशनल टीम के कैप्टन भी रह चुके थे शाहिद अफरीदी। मूविंग अहेड वी हैव डार्कनेस टू लाइट इज एसोसिएटेड विथ, इस पिक में मुझे पूरा चेहरा कवर करना पड़ा वरना आंसर बहुत क्लियर हो जाता, बट बुक कुछ इस तरीके का है डार्कनेस टू लाइट, और ये बुक है लेमार ओडम के ऊपर। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, आप सबको पता ही होगा लेमार ओडम के बारे में। इस बुक में इन्होंने अपने पूरे जीवन का व्याख्या दिया है, इनका जो रिलेशनशिप रहा है, इनका बचपन का जो दिक्कत वाला समय या तकलीफ वाला समय रहा था, डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड जो इनका था, फिर ड्रग्स एडिक्शन, सेक्स, एवरीथिंग इन्होंने इस बुक में, अपनी एक्स वाइफ के बारे में इन्होंने वर्णन करा है जो बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी थी अमेरिका की। मूविंग अहेड वी हैव नेम द बुक रिटन बाई मनमोहन सिंह रिसेंटली। तो मनमोहन सिंह ने हाल में एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम आपको बताना है। द बुक इज चेंजिंग इंडिया, और मनमोहन सिंह का विजन एज ए इकोनमिस्ट और सोशल पॉलिटिकल लीडर और क्या व्यूज़ हैं उनका, उस पर ये बुक डेडिकेटेड है। ऑब्वियसली इनका 10 ईयर का जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यकाल रहा था उस पर भी एक नज़र है, ठीक है, चेंजिंग इंडिया। टाइमलेस लक्ष्मण इज़ अ बुक डेडिकेटेड टू आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण आपको पता है क्या थे, बहुत फेमस फील्ड से एसोसिएटेड हैं, और क्वेश्चन इस पर एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, विथ विच फील्ड ही वॉज एसोसिएटेड। ये एसोसिएटेड थे कार्टूनिस्ट से। अब आपको यहाँ पर दो चीज़, आई मीन ही वॉज अ कार्टूनिस्ट और कार्टून से फील्ड से वो रिलेटेड थे। टाइमलेस लक्ष्मण किताब का नाम है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, और किससे एसोसिएटेड है, ऑब्वियसली आर के लक्ष्मण से। इनका जो किताब है उसको लॉन्च किया या लिखा गया उषा श्रीनिवास लक्ष्मण या US लक्ष्मण उनका नाम है, जो कि उनकी बेटी हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा था, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। डॉक्टर YB रेड्डी एंड GR रेड्डी पेन डाउन अ बुक नेम्ड। YB रेड्डी आपको पता है कौन थे,
और 2003 से 2008 के बीच में गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं आरबी रेड्डी, आई मीन वाईबी रेड्डी, और इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखा है जिसका नाम है इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म। 14th फाइनेंस कमीशन में भी इनकी जगह है वाईबी रेड्डी की। आपको एक और बात बता दूं कि इस बुक को लॉन्च किया गया प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर शशिकांता दास के द्वारा। हु रोट द बुक? रूरल मैनिफेस्टो। रूरल मैनिफेस्टो बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वरुण गांधी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। इस बुक को लॉन्च किया गया था बेंगलुरु में, और इस बुक का जो मेन थीम है वो है रूरल इंडिया, RURAL, रूरल इंडिया में क्या चैलेंजेस फेस की जाती हैं एट डिफरेंट लेवल्स, लाइक स्कूल लेवल पर, फार्मिंग में, लेबर में। तो इस बुक का ये थीम है और वरुण गांधी का लिखा हुआ ये बुक है। इसका टैगलाइन था इस बुक का, रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेजेस। तो रूरल मैनिफेस्टो, ठीक है। मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसके द्वारा लिखा गया है लेसन दैट लाइफ टॉट मी अननोइंगली? तो ये बुक है अनुपम खेर के द्वारा लिखा हुआ, और करीब 530 मूवीज से ऊपर में इन्होंने काम किया है, ना सिर्फ नेशनली बट इंटरनेशनली भी। नाउ मैच द फॉलोइंग आपको करना है, और इनमें से कौन सा किससे मैच करेगा? ब्लैक वंस विद द रेड वंस, माई लाइफ माई मिशन, ये किताब किससे एसोसिएटेड है? तो ये है स्वामी रामदेव से एसोसिएटेड। दूसरा किताब इंडिया पॉजिटिव, इंडिया पॉजिटिव इज बुक रिटन बाई चेतन भगत। तो दो के तो दो सीधे सीधे आंसर थे, लेकिन बिहार डायरीज और हील्ड किसके द्वारा लिखा है? तो बिहार डायरीज लिखा हुआ है अमित लोधा के द्वारा, ऑब्वियसली फाइनल हील्ड जो है ये मनीषा कोयराला का बुक है। तो ये चारों ऑप्शन आप याद रखना, चार बुक्स यहाँ पर आपको कवर हो गए। और रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट स्कैम वॉज पेंड बाई, ये किताब का नाम है रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट स्कैम, ये बुक लिखा गया था एस विजयन के द्वारा। नाउ हु रोट द बुक द थर्ड पिलर? थर्ड पिलर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब हमने पहले डिस्कस किया है शायद फरवरी वाले करंट अफेयर्स में। ये किताब लिखी गई है रघुनाथ राजन के द्वारा, और IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र थे, RBI के हेड रह चुके हैं और अरिजीत पटेल से पहले। और इसमें इन्होंने ये सिग्निफाई, इस बुक के माध्यम से इन्होंने ये सिग्निफाई करने की कोशिश की है कि जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं और किस तरीके से इकोनॉमिक्स ना सिर्फ इकोनॉमिक तक रिलेटेड है बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक मार्केट है, जिससे बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझना भूल जाते हैं और लेटर ऑन बहुत दिक्कत आता है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक मार्केट है जो कि ह्यूमन रिलेशंस, वैल्यूज़ और इन सब चीज़ों का एक जाल आप कह सकते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है रघुराम राजन ने। कुछ बुक्स और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ, इनका एक बुक आया है अभी हाल में बिकमिंग, ठीक है, ये बुक आप याद रखना, रिसेंट बुक है। अरविंद सुब्रमण्यम जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, उनका भी एक बुक है चैलेंजेस ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी ऑफ कौंसिल करके एक बुक नाम था, ऑफ COUNSEL ऑफ कौंसिल, और आगे था चैलेंजेस ऑफ मोदी एंड जेटली इकोनॉमी। अमिताभ घोष का एक बुक था जिसका नाम था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गन आइलैंड। तो ये चार किताब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे जो आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ और भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं इंटरनेशनली रिटन बुक्स, जिसको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग एग्ज़ाम फोकस। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बीच ये वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एग्ज़ाम फोकस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।